मुगल सीरीज़ के अंतर्गत शाहजहां में आपका स्वागत करता हूं। शाहजहां जो है ये स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है और इसके पहले की वीडियो में हमने शाहजहां की स्थापत्य कला का अध्ययन किया था। आज हम शाहजहां के शासनकाल में उसके चार पुत्रों के बीच में होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध का अध्ययन करेंगे। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिसके द्वारा इस उत्तराधिकार के युद्ध में हुए जो पाँच युद्ध हैं इनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शाहजहां हैं, इसके कुल चार पुत्र थे और तीन पुत्रियां। इसका बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, दूसरा शाह शुजा, तीसरा औरंगजेब और चौथा मुराद बख्श। और इसकी तीन पुत्रियां थीं, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। इन चार पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ और उनकी तीन बहनों ने एक एक भाई का सहयोग किया। जो शाहजहां का दूसरा पुत्र शाह शुजा, उसका किसी बहन ने पक्ष नहीं लिया था, जबकि अन्य तीन बहनों ने अपने एक एक भाई का इस युद्ध में पक्ष लिया था। इस उत्तराधिकार के युद्ध की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 1657 ईस्वी से। जैसे ही शाहजहां बीमार पड़ता है, उसके भाई जो है गद्दी पर अधिकार करने के लिए किसी ना किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने लगते हैं। और चूंकि इससे पूर्व ही शाहजहां ने अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जो राजधानी आगरा में था, जबकि उसका दूसरा पुत्र शाह शुजा ये बंगाल का गवर्नर था, तीसरा पुत्र औरंगजेब ये दक्षिण का गवर्नर था, जबकि चौथा और सबसे छोटा पुत्र मुराद बख्श ये मालवा और गुजरात का गवर्नर था। आपका जो इसका सबसे बड़ा पुत्र है मुराद बख्श, ये सबसे योग्य था और इसे लेनपुल ने लघु अकबर कहा है। इसने बनारस के ब्राह्मणों की सहायता से बावर उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था। दूसरा पुत्र शाह शुजा ये आलसी और बिलासी था, जबकि तीसरा पुत्र औरंगजेब ये सबसे अधिक धार्मिक रूप से कट्टर सुन्नी मुसलमान था और चतुर चालाक इसमें स्पष्ट तौर से थी, जबकि वो चौथा भाई है मुराद बख्श ये सर्वथा एक अयोग्य व्यक्ति था, इसी कारण इसको कुल कलंक कहा गया है। जैसे ही शाहजहां बीमार पड़ता है तो शाहजहां की मृत्यु की झूठी अफवाह फैला दी जाती है और बंगाल में शाह शुजा अपने आप को स्वतंत्र मुगल बादशाह घोषित कर देता है तथा वह युद्ध का प्रारंभ करता है। अब देखिए हम इस ट्रिक के माध्यम से पांचों युद्धों का अध्ययन करते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या है, बहादुर का शुजा धर्मठ की औलाद, बहादुर का शुजा धर्मठ की औलाद शामूगढ़ में दारा से मिला और इस खुश मलिक औरंगजेब ने देवराई में आज दारा को मार दिया। तो देखिए बहादुर से क्या निकलता है, बहादुरपुर का युद्ध। ये बहादुरपुर कहाँ है तो बाशे निकालेंगे हम बनारस। बहादुरपुर का जो युद्ध है ये कहाँ हुआ है, बनारस के निकट। कब हुआ है, फरवरी 1658 ईस्वी में शाही सेना और शाह शुजा के मध्य, जिसमें शाह शुजा पराजित हो गया था। अब धर्मठ से निकलता है धर्मठ का युद्ध जो अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ, किस किस के बीच में, तो औलाद से औरंगजेब और मुराद अर्थात शाही सेना और औरंगजेब तथा मुराद बख्श के बीच में। ये धर्मठ कहाँ है, देखिए हिंदुस्तान का एक मध्य प्रदेश में पड़ने वाला शहर है जहाँ पर किसी भी शासक का कोई हट नहीं चलता है, अर्थात उस शहर में कोई भी शासक रात्रि निवास नहीं कर सकता है, उसका नाम है उज्जैन। तो धर्मठ का युद्ध कहाँ हो रहा, उज्जैन के पास में, ठीक ना। और इस युद्ध से पूर्व ही चतुर चालाक औरंगजेब ने मुराद बख्श से एक संधि कर ली थी कि दारा शिकोह को पराजित करने के पश्चात हम दोनों आपस में मिलकर मुगल साम्राज्य को आधा आधा बांट लेंगे।
और इस धर्मट के युद्ध में भी औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना ने शाही सेना को पराजित कर दिया है। अब तीसरे युद्ध की ओर चलते हैं तो आगे लिखा है शामुंगढ़ में दारा से मिला। शामुंगढ़ से शामुंगढ़ का युद्ध जो हुआ है मई 1658 ईस्वी में किस किस के बीच में, तो दारा शिकोह की शाही सेना प्लस औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में। इस शामुंगढ़ कहाँ पड़ता है, तो मुगलों का जो सबसे प्रसिद्ध गढ़ मीन्स किला और राजधानी थी शाहजहां के शासनकाल में, वो कहाँ थी, आगरा में। तो शामुंगढ़ का युद्ध हो रहा है आगरा के निकट, दारा शिकोह की शाही सेना तथा औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में। इस युद्ध में दारा शिकोह की स्पष्ट रूप से पराजय हुई थी और वह दिल्ली की ओर भाग गया था, और इस विजय के पश्चात औरंगजेब ने आगरा में अपना प्रथम राज्याभिषेक संपन्न करवाया था। आगे बढ़ते हैं, और इस खुश मलिक तो सबसे पहले हम देखेंगे खुश से निकालते हैं खुश खासे खजुआ का युद्ध जो कब हुआ है, जनवरी 1559 ईस्वी में किस किस के बीच में, शाह सुजा और औरंगजेब के मध्य। इस युद्ध में औरंगजेब ने शाह सुजा को पराजित कर दिया था और शाह सुजा जो है पराजित होकर अराकान के जंगल में भाग गया था जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात जो है औरंगजेब अपने सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी और शाहजहां के उत्तराधिकारी तथा बड़े पुत्र दारा शिकोह का पीछा करता है और उसे देवराय के युद्ध में पराजित कर देता है। अब देखिए अंतिम युद्ध निकालते हैं, तो औरंगजेब ने देवराय में आज दारा को मार दिया। देवराय से देवराय का युद्ध कब हो रहा, मार्च 1559 ईस्वी में किस किस के बीच में, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। ठीक ना, देवराय का युद्ध कहाँ हो रहा है, तो आज से अजमेर के निकट, और इस युद्ध में दारा शिकोह पराजित हो गया तथा उसे बंदी बना लिया गया। अब उसे बंदी कैसे बनाया गया, तो यहाँ हमने लिखा है मलिक जीवन जो है ये दादर का जमींदार था जिसके यहाँ दारा शिकोह ने शरण ली थी, किंतु मलिक जीवन ने औरंगजेब के भय से दारा शिकोह को सौंप दिया और दारा शिकोह ने जो है अपने बड़े भाई के ऊपर काफिर होने का आरोप लगाया तथा उसे मृत्युदंड दे दिया। इस प्रकार से जो है दारा शिकोह को मृत्यु प्रदान कर दी गई और औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक राजधानी दिल्ली में स्थापित किया। तो प्रथम इसका राज्याभिषेक कहाँ हो रहा है, आगरा में, जबकि दूसरा राज्याभिषेक संपन्न कहाँ होगा, दिल्ली में। इस प्रकार से हमने 100 ट्रिक के माध्यम से शाहजहां के शासनकाल में होने वाले सबसे भीषण उत्तराधिकार के युद्ध का अध्ययन किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।